नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का कोई भी बल हो, हमारे सुरक्षाकर्मी टेंशन में हैं, काम के बोझ के तले दबे हैं। सेना में सैनिकों की कमी, पुलिस में जवानों की कमी, हथियारों की कमी, सुविधाओं की कमी। जवान जब काम पर निकलते हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो वापस कब लौटेंगे, क्या खाएंगे। रात दिन ड्यूटी करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन सुविधाएं उन्हें कुछ नहीं मिल पाती, पूरी डाइट तक उपलब्ध नहीं हो पाते। परिवार से महीनों दूर रहते हैं। छुट्टी के लिए जवान काफी दिनों तक गुहार लगाते हैं और तब भी उन्हें छुट्टियां नसीब नहीं हो पाते। अफसर भी मजबूर होते हैं और जवान भी। कई बार जवान आपा खो देते हैं और अपने ही साथियों अफसरों पर गोलियां बरसाने से भी नहीं गुरेज करते, लेकिन सरकार कभी नहीं सोचती कि इन समस्याओं का समाधान आखिर क्या हो, कैसे हो। नेता सियासत करते हैं लेकिन समाधान नहीं निकालते, आखिर क्यों। आज इसी सवाल का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे मुद्दा में। आखिरकार 125 करोड़ जनता की रक्षा करने वाले सेना, पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान क्यों खस्ताहाल रहते हैं? देश की रक्षा करने वाले, दुश्मनों से, आतंकियों से, अपराधियों से बचाने वाले, सेना हो या पुलिस के जवान, किस हाल में रहते हैं, किस हाल में हमारी रक्षा करते हैं? किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमें टेंशन से मुक्त करने के लिए वो कितनी टेंशन लेते हैं। हम अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, हम अपने बच्चों के साथ आराम से रातें गुजारते हैं, लेकिन सेना के जवान, सीआरपीएफ, आर्मी या हर राज्य की रक्षा में लगे पुलिसकर्मी परिवार वालों से दूर रहते हैं। क्या खाते हैं? उनके रहने के लिए कैसी सुविधाएं हैं? वो कितने घंटे तक लगातार काम करते हैं? उनके काम करने में क्या क्या बाधाएं हैं? वो क्यों नहीं काफी दिनों तक परिवार वालों से मिल पाते? क्या किसी ने सोचा होगा सुरक्षा कर्मी क्यों प्रेशर में रहते हैं? हाँ, अगर कुछ गलती होती है तो सवाल जरूर उठ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि टेंशन में आकर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। काफी जरूरत होने के बाद भी अधिकारी छुट्टी नहीं दे पाते। सेना हो या पुलिस वाले अपना आपा खो देते हैं। हालांकि अधिकारी भी मजबूर होते हैं, इसीलिए अपने जवानों को वे सब कुछ नहीं दे पाते जो उनका अधिकार होता है। पुलिस विभाग में समस्या तो बहुत है। मेरा घर झांसी में है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आने जाने की दिक्कत है, घर फैमिली वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, परिवार से दूर रहने में दिक्कत तो होती ही है। मैं ऑलरेडी मानसिक रोग से परेशान हूँ, हमारी लाइट ड्यूटी रहती है। नौकरी के संबंध में समस्याएं तो हैं, लेकिन वो तो अब उनसे तो निपटना ही पड़ेगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि होटल पे खाना खा लेते हैं, अगर यहाँ खाना अच्छा बना तो यहाँ खा लिया और नहीं तो अपने होटल पे खा लिया। समस्याएं तो बस यही है, बस घर से दूर है और समस्या तो कुछ है नहीं इतनी खास। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर सुरक्षा कर्मी करे तो क्या करें। आइए आपको कुछ घटनाओं से रूबरू कराते हैं। 25 फरवरी 2018 दिल्ली में तैनात और फिलहाल मेघालय के विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए वहां पहुंचे आरपीएफ अफसर मुकेश त्यागी को साथी जवान ने गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसके दो अन्य साथी घायल हो गए। मुजफ्फरनगर निवासी कांस्टेबल अर्जुन देशवाल होली पर घर आने की छुट्टी नहीं मिलने से नाराज था। 10 दिसंबर 2017 छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवान संतुराम ने 4 विभागीय अधिकारियों पर ताबड़तोड़ 30 गोलियां चला दी और उनके शरीर को छलनी कर दिया। हत्या का कारण छुट्टी नहीं मिलना बताया गया। 12 जनवरी 2017 बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के जवान बलबीर सिंह ने 4 जवानों पर गोलीबारी की और इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। जवान छुट्टी नहीं मिलने के कारण परेशान था। आखिर जवान क्यों परेशान होते हैं? उन्हें क्यों सुविधाएं नहीं दी जाती? क्यों नहीं उन्हें छुट्टी दी जाती? आइए जानते हैं पूर्व अधिकारी से। दिक्कत सारी ये है, जैसे फील्ड में रहिएगा तो कहीं खाना नहीं मिलता है, ऊपर हाइल्टी में चढ़ना पड़ता है, चाहे ग्लेशियर में रहिएगा तो दिक्कत होता है। मुश्किलें तो है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने 2006 में हमें जो 7वां वेतन लागू होना था तो वो अभी तक मतलब मिला नहीं है भूतपूर्व सैनिकों को, तो इस वजह से तो काफी लोग परेशान हैं। कई जगह ऐसी आई जहां पर हमें गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कतें पेश हुई। सर्विस हमारी कम्प्लीशन हो जाती है तो हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे कि हमको भी फिर से अपॉइंटमेंट एज के हिसाब से हमको भी कोई सर्विस मिले, सरकारी जॉब मिले। आजकल फैसिलिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। हमारे टाइम पे ये सुविधाएं नहीं, हम 71 में जब आर्मी में गए और 1990 में जब हम रिटायर हुए तब तक हमको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था।
तो ये सिर्फ चंद उदाहरण है। आपने देखा कि कैसे पुलिस वाले और सैनिक आपा खो देते हैं, लेकिन इनके अंदर झांक कर देखिए तो कारण पता लग जाएगा। आखिर क्या मजबूरी है? जब पुलिस वाले अच्छा काम करते हैं तो क्रेडिट सरकार ले लेती है, जब कुछ चूक हो जाती है तो ठीकरा पुलिस वालों पर फूटता है, जब सैनिक या पुलिस वाले शहीद होते हैं तो नेता उनकी शहादत पर भी सियासत करते हैं। वन रैंक वन पेंशन जो उनका हक है, अगर सैनिक हक मांगते हैं तो उस पर भी सियासत होती है। सुरक्षा कर्मी खून की होली खेलते हैं और नेता सियासत करते हैं, हर बार सेना हो या पुलिस कर्मी, इनके लिए बजट आता है लेकिन क्या उनकी पूर्ति होती है? अपराधी और आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास क्या वो है? क्या 125 करोड़ जनता के लिए अभी देश में जितने सुरक्षा कर्मी होने चाहिए उतने हैं? सुरक्षा कर्मियों के लिए जो बजट है वो नाकाफी है। कुछ दिन पहले ही सेना ने शिकायत की थी कि उनके खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनसे 20-20 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन किसी ने समाधान नहीं ढूंढा, किसी ने इस पर बात नहीं की और उनकी आवाज को दबा दिया गया। कई बार आवाजें उठी और दब गई। अधिकारी से लेकर जवान सब दबाव में काम करते हैं, पुलिस कर्मी दिन रात बदमाशों के पीछे भागते हैं, एनकाउंटर करते हैं, कई बार खुद भी शिकार हो जाते हैं। सियासी दल एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी जवानों और सैनिकों के हालातों के बारे में कोई नहीं सोचता। आखिर क्यों सेना और पुलिस के जवान आपा खो रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही कोई ढूंढने की कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। या तो देश का कोई भी बल हो, सुरक्षा कर्मी हो, टेंशन में ही काम करते हैं, काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि काम के बोझ तले वो दबे नजर आते हैं। सेना में सैनिकों की भारी कमी है, पुलिस में जवानों की भारी कमी है, हथियारों की कमी है, सुविधाओं की कमी है। सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे जवान किन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ कपिल कक्कड़ जी हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वो मनोदशा होती है। साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल योगी बहल साहब हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लखनऊ से गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, सलाहकार संपादक हैं APN न्यूज। साथ ही कर्नल रामदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपसे कुछ ही देर बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी अपने दर्शकों की मुलाकात कराएंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर्नल रामदेव सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। वतन के रखवालों की इस बेबसी को किस नजरिए से आप देखते हैं? साउंड कर्नल साहब, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, अभी पूछिए सवाल, क्या पूछ रहे थे? सर, मेरा सवाल यह है कि वतन की रक्षा की जिम्मेदारी जिन पर है, जो रखवाले हैं, उनकी ये जो बेबसी है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अक्षय जी, विडंबना यह है इस समय हमारे देश में कि जो काम रक्षा के सैनिकों को करना चाहिए था जी, उसके अलावा उनको उससे 10 गुने टास्क इस समय मिल चुके हैं जी। भारतीय सेना है या पुलिस बल है, जो भी सेना की बात, सैनिक की बात करते हैं, हालत यह है कि जिस बॉर्डर के ऊपर हमने BSF को लगा करके या रेगुलर फोर्स को लगा करके काम करते थे, जब से इंसर्जेंसी बढ़ी है जी, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो, J&K में हो, तो सेना का डिप्लॉयमेंट जो है स्लोली स्लोली इतना बढ़ गया है कि भाई पीस स्टेशन पे सेना नहीं रहती है, 70-80% सेना जो है हमेशा डिप्लॉय रहती है। और जब डिप्लॉय रहती है तो जिम्मेवारी का इलाका बढ़ जाने की वजह से जब काम का प्रेशर बढ़ जाता है, ट्रेनिंग की कमी आ जाती है, वेलफेयर की कमी आ जाती है, तो लोड सर के ऊपर स्वाभाविक हो जाता है जी। जब सर के ऊपर बोझ पड़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी जी। जब काम बढ़ेगा सेना का, सेना के पास ज्यादा काम मिलेंगे, हर जगह उनको यूटिलाइज किया जाएगा, चाहे इंसर्जेंसी में हो, चाहे सिविलियन में गवर्नमेंट को मदद करने का हो, तो हर जगह जब आप फौज लगाओगे तो आखिरकार फौज की संख्या तो 12 लाख ही है, वो कहां तक आपकी किस किस जगह पर डिप्लॉय करोगे,
फिर समस्या क्या होती है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जवान को छुट्टी नहीं मिलती, जेसीओस को 8 महीने छुट्टी नहीं मिलती, ऑफिसर्स तो छुट्टी लेना भूल ही जाए, उसको छुट्टी का मांगने का हक ही नहीं मिलता है। दूसरा क्या है कि एक अक्षय जी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ सेना एक ऐसी संस्था है कि जो इसके ऊपर दो दो लॉज लागू है, एक तो उसके ऊपर देश का पूरा संविधान है, देश की पूरी सुरक्षा आईपीसी सीआरपीसी लागू है, इसके अलावा उसके ऊपर मैनुअल मिलिट्री लॉ भी लागू है। अब वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अगर वो लड़ाई लड़ता है, छद्म युद्ध पाकिस्तान कर रहा है, नक्सलाइट कर रहे हैं, अगर हमारा जवान कोई ऐसा काम करता है कि अगर वो सिविलियन के गोली लग जाती है तो वो आईपीसी के अंडर आ जाता है, अगर वो पीछे भाग जाता है निकल जाता है तो मिलिट्री लॉ के अंडर आ जाता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। अब रही बात खाने की, व्यवस्था अच्छी है ऐसी बात नहीं है, खाने की व्यवस्था है, लेकिन समस्या ये है कि खाना पहुंचाया कैसे जाए। लगातार सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास पहुंचाने में टाइम होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, गोलीबारी में निकल नहीं पाते हैं। व्यवस्था करने की भारतीय सेना ने पूरा पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है, लेकिन चूंकि ड्यूटी आवर्स इतने ज्यादा हो गए हैं, इतना काम बढ़ गया है कि उनके पास सुस्ती और सुस्ताने का समय ही नहीं। बिल्कुल, हम इसी आज इस चर्चा को लेकर भी आए हैं कि जिम्मेदारियां तो लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो सुविधाएं हमारे जवानों को मिलनी चाहिए क्या वो सुविधाएं उन तक पहुंचती हैं। हमारे साथ वाराणसी से कर्नल विनोद बियाला साहब भी जुड़ गए हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल योगी बहल साहब मैं आपके पास आऊंगा, जिन पर रक्षा की जिम्मेदारी है और वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं, क्या इससे ज़्यादा हमारी सरकारों को वास्ता नहीं होता है क्या? ऐसा है, मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि पिछले 70 साल में पॉलिटिशियंस और जो बाबू डॉम है जी, उसने कई प्रयत्न किए हैं कि आर्म फोर्सेस को डाउनग्रेड किया जाए, किसे डिग्रेड किया जाए किसी प्रकार से जी जी, मगर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इन सब के होते हुए भी आर्मी ने कभी अपनी नेशन को डाउनग्रेड नहीं किया है या उसको इग्नोर नहीं किया है या अपना फर्ज पूरा निभाया है। फौज के पास दो किस्म के कार्य होते हैं जी, एक है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कायम करना जी, और दूसरा है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब उसकी रिक्वायरमेंट आए उसमें जाना। नाउ पहले ये देखा जाए कि किसे डाउनग्रेड कैसे किया गया। जब 1947 में आज़ादी मिली थी जी, और 1948 में हम जो आज का पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर तक पहुंच गए थे, तो पॉलिटिशियंस ने गवर्नमेंट ने कहा कि वापस आ जाइए जी। अगर कोई सिपाही अगर ऑब्जेक्टिव पकड़ लेता है और उसको कहा कि उस ऑब्जेक्टिव से आप वापस आ जाइए तो बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाता है। 1962 में फौज को आपने भेज दिया इल प्रिपेयर्ड इल इक्विप्ड अंडर क्लोथ जी, चाइनाज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। जहां पर भी लड़ाई हमारे जवानों ने लड़ी है वहां पर बड़ी बहादुरी से लड़ी है, मगर ये देखा जाए कि हम इल इक्विप्ड थे तो इसलिए हमें हार माननी पड़ी वहां पर जी। और वो डर काफी अभी तक बना हुआ है कि चाइना एक हवा बन गया है हिंदुस्तान के लिए, एक हवा कंट्री विच स्लोली स्लोली वी आर ग्रोइंग आउट। उसके बाद में 65 की लड़ाई हुई जी, तो 65 की लड़ाई में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब गए हैं क्या कहते हैं पीस टॉक्स के लिए जब गए हैं रशिया में गए हैं जब वहां पर, तो उन्होंने हाजीपीर पास जिसको कि कैप्चर करने के लिए 350 जवान हमारे मारे गए थे जी, उस पास को हमने वापस दे दिया। अगर वो पास हमारे पास आज होता तो उड़ी और पुंछ जो है 20 किलोमीटर में का फासला रह जाता, आज वही जो है हम 450-500 किलोमीटर चलकर एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंचते जी, वो भी एक डाउनग्रेडिंग है, मोरल के ऊपर असर पड़ता है जी जी। 71 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश बना, 93,000 हमने पाकिस्तानी पकड़े, हम फौज को क्या मिला जी, फौज की तब तक जो है 73% पेंशन होती थी कि जो भी जवान या कोई ऑफिसर रिटायर होता है उसकी लास्ट पे ड्रॉन का 73% होता है, बिकॉज उसका मुख्य कारण ये था कि यंग एज में रिटायर हो रहे हैं जी, और सिविलियंस में छोटे जो सिविल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनका होता था 30% जी। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 73% से आप आर्मी को
50 पे ले आए, उनको 30% से 50% पे ले गए और साथ में सर्विस कंडीशंस वही रखी गई हैं। तो दिस आल्सो हैज मोरल डिमोरलाइजिंग। और अभी हम बयान भी सुना रहे थे, हमारे जो पूर्व जवान रह चुके हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सैनिक दिल में जज्बा यही रखते हैं कि देश की रक्षा की खातिर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। हमारे साथ और कहना चाहूंगा इस बीच में जी, जी, वो ये है कि एक वो वक्त था कि अगर सब एक जवान की तरफ से चिट्ठी जाती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि साहब मैं घर पे छुट्टी नहीं आ सकता हूँ, मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर वालों को ये परेशान किया जा रहा था, डीएम एकदम एक्शन लेता था जी। हालिया कुछ घटनाक्रम भी इस तरह के सामने आए जहां पर बेबसी नजर आई। एक तो सरहद पर हमारे जवान रक्षा करते हैं, लेकिन यहां पर लोकल स्तर पर किस तरह से प्रशासनिक तंत्र काम करता है कि उन्हें आंसू तक बहाने को मजबूर हो जाना पड़ता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप राय जी भी इस चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी प्रदीप जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आप किस तरीके से देखते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, हमारे जवानों को लेकर? देखिए ऐसा है कि सरकार को सबसे पहले तो जवानों के या अधिकारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सेना के जो जवान है वो फिर भी एक बार ये मान के चलते हैं कि आप फौज की ड्यूटी कर रहे हैं और उनके लिए आप एक व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव ड्यूटी है। जैसे अब आपने आज ये जो ताजा घटना हुई है ये आपके मेघालय में और या नागालैंड में जो हो रही है जी, यहाँ पे अब क्या है उनकी ड्यूटी आपने लगा दी, रहने की जगह नहीं है उनके पास, उनको आप टेंट्स में रख रहे हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, न परिवार से मिलने का समय है, न उनके पास मानवीय संवेदनाओं का जो एक अभिव्यक्ति है उसके लिए उनके पास कोई साधन है जी। और दिन भर ये चूंकि डिसिप्लिन फोर्स है तो आप हमेशा आप एक सावधान के वातावरण में रहते हैं, और मैंने देखा है कई बार कि उनको एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थानों के अंदर भी आप देख लें जो पुलिस थाने हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारियों को तो चलिए रहने के लिए उनको गेस्ट हाउस मिल जाता है, बंगले मिल जाते हैं, मगर थाने में आप बैरकों की हालत देखिए, अगल बगल बेड पड़े हुए हैं, उनके पीछे आपने साधारण से बक्से लगा दिए हैं और उनके काम चल रहे हैं, लेकिन ना उनके पास परिवार से मिलने का समय, परिवार के साथ रहने की आजादी। तो बहुत ही एक मुश्किल एक तनाव भरा वातावरण होता है जी। और जब कोई छुट्टी मांगे और आप ये कहें कल देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, दो महीने बाद देख लेंगे, लेकिन बार बार जब ये होता है तो आप ये सोचने की बात है कि केवल छुट्टी के लिए जवान किसी को गोली मार दे, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं फौज में या पुलिस में या फिर किसी भी आर्म फोर्स में तो कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, आप वहां के अनुशासन का पालन करते हैं, साथ साथ आपको वहां के जो वातावरण में ढल जाते हैं आप, और ये टफ नौकरी है, कोई आसान नौकरी नहीं है ये जनरल साहब लोग बताएंगे, और ये उदय सहाय जी भी पुलिस में रहे हैं, इनको भी इसकी अच्छा अनुभव होगा। लेकिन आप उसके बाद जवान इस बात पे तैयार हो जाए और अड़ जाए कि अधिकारी को गोली मार दे छुट्टी नहीं मिलने से, ये कोई इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण जो है उस पे जाना पड़ेगा जी, जी। और जब तक आप उस पे नहीं जाएंगे तब तक सरकार की जो नीतियां हैं उसी आधार पे बननी चाहिए। बिल्कुल सर, क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति उस वक्त होती है, जैसा आपने जिक्र किया कि ये साधारण नहीं होता कि इस तरह से कोई जवान किसी पर गोली चला दे, इस पर मनोदशा भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कपिल कक्कर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले उदय साय जी मैं आपके पास आऊंगा। सर जो अभी सुविधाएं मिलती हैं हमारे जवानों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को, आपको क्या लगता है कि उसमें कितना परिवर्तन किए जाने की जरूरत है? मैं समझता हूं कि पुलिस की स्थिति थोड़ी सी अलग है आर्मी से, और पुलिस को अगर आप एज अ यूनिट देखते हैं जी, तो आप भूल जाते हैं कि पुलिस में एक तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है जी, एक पीसीआर यूनिट होता है, और वो यूनिट्स जो फ्रंट पे होती हैं जी, और जिनका इंटरफेस पब्लिक से रोज होता है, और दूसरी यूनिट्स हैं जैसे सीआईडी जैसी यूनिट हैं जी, डीएपी जैसी यूनिट हैं, आर्म्ड पुलिस जैसी यूनिट हैं, ये पीछे सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे काम करते हैं, और इसलिए जब हम पुलिस पर प्रेशर या काम का टेंशन या स्ट्रेस की बात करते हैं तो मोस्टली जो फ्रंट पुलिस है हम उसकी बात को तवज्जो ज्यादा देते हैं, क्योंकि वहां पर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नियम है इंडियन पुलिस एक्ट के तहत, उसके तहत पुलिस मैन इज सपोज्ड टू बी ऑन ड्यूटी फॉर 24 आवर्स। नियम में ही ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे वो ड्यूटी पे होगा, और इसका साइकोलॉजिकल असर ये पड़ता है कि थाने में खासतौर पे हो सकता है कि आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने परिवार से मिलने जाने का आपको फुर्सत न मिले या अनुमति न मिले, और उसका कहीं ना कहीं उस झुंझलाहट का उस प्रेशर का असर वो पब्लिक
पे उतरता है, कभी परिवार पे उतरता है, और कई बार सीनियर अधिकारियों का वो जो टेंशन है वो नीचे के अधिकारियों पे उतरता है, तो उसका चेन इफेक्ट है। और कहीं ना कहीं इसलिए मेरे ख्याल से इसको पुनर्विचार करने की जरूरत है कि क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि कोई आदमी 24 घंटे ड्यूटी पे हो और जब भी उसे रात या दिन बुलाना हो उसे बुला लें, उसे 12 घंटा काम करा लें, 14 घंटा काम करा लें, और साथ के साथ एक्सपेक्ट करें कि वो एक मानवीय तरीके से एक पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेगा, अपने मुलाजमानों के साथ इंटरेक्ट करेगा और कई बार सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिमांड पुलिसमैन पे, खास तौर पे जो फ्रंट पुलिस है, फोर्स है, उस पर रहता है और उस पर पुनर्विचार करने की निहायत, यानी एक बड़े बदलाव की आपको लगता है कि जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जिम्मेदारी लादने की बात होती है तो पुलिसकर्मियों पर थोप दी जाती है कि ऐसे पुलिसकर्मियों को हम बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां पर पीठ थपथपाने की बात होती है उसका क्रेडिट कहीं और चला जाता है। कक्कड़ साहब, मैं आपके पास आऊंगा, वो जो मनोदशा की हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये हमने अपनी रिपोर्ट में कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, कहीं पर हमारे आरपीएफ के जवान, कहीं सीआरपीएफ के जवान वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस वक्त क्या उनके जहन में चल रहा होता है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझें, सुसाइड जब कोई भी सोचता है या करने की कोशिश करता है उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। अब हिस्ट्री क्या होती है, जब आदमी को लगता है कि उसकी जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है बदलेंगे नहीं, और उसके खुद के जो लव्ड वंस हैं, जो उसके आसपास के खुद के लोग हैं, वो भी उस अगर वो चला जाएगा तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब आदमी को लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है, तब जाके आदमी एक्सट्रीम स्टेप लेता है। दूसरा, ये एक दो साल का एक बैकग्राउंड होता है जिस पे ये आदमी कोई भी सुसाइड करता है। अब आप जैसे पुलिस की बात करें या अगर आप पैरामिलिट्री की बात करें, तो बहुत अलग अलग विषय हैं। अगर आप पुलिस की बात करें, मैंने खुद एक पीआईएल पुलिस रिफॉर्म्स पे डाला हुआ है ऑन बिहेवियर के जो सुसाइडल है या ये चीजें, ये क्यों होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो दिल्ली में हमने देखा, दिल्ली में वी नीड आज की डेट में 85,000 पुलिस पर्सनल हैं, उसमें से ऑन ड्यूटी 78,000 है, इसका मतलब है 7,000 की तो अभी भी इन्होंने भरपाई नहीं करी थी, और ये आज से नहीं चल रहा बहुत। और आपको सुन के हैरानी होगी कि पब्लिक के लिए उसमें से सिर्फ 27,000 हैं जो कि चौकी में होते हैं, थाने में होते हैं, एसएचओस और उनके अंडर होते हैं, उसके अलावा बाकी आपके ट्रैफिक में सिर्फ 6,000 हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर जो पुलिस फोर्स है और आपके जो पीसीआर वैन है उसके अंदर कोई 20-25,000 उसके अंदर है, बाकी वीआईपी वगैरह में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पुलिस को एक तरह से, एक तो अंडरस्टाफ्ड है, जहां पे 1.5 लाख के करीब होने चाहिए वहां 80,000 है, तो वहां पे पुलिस काम कर ही नहीं सकती, उनका चाहे दिन है चाहे रात है, कभी भी उनको समय पे उठा लिया जाएगा, तो वहां पे एक ओरिएंटेशन आदमी की खराब हो जाती है। जैसे इस पे एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई थी, जब आप किसी पुलिस वाले को 12 घंटे के लिए कहते हैं वो ड्यूटी पे है, तो उसने कुछ एक्सटेंट तक अल्कोहल अपने आप ले ली है बिना कुछ लिए हुए, तो उसमें अलर्टनेस भी नहीं रहती, तो बेसिकली दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ लिटिल हेल्पलेसनेस एंड टायर्डनेस, जो प्रेशर है। पर मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा, तो अगर आप बॉम्बे को देखेंगे, बॉम्बे के सिस्टम में क्या है कि हर 8 घंटे की वहां पे शिफ्ट है, जब आपकी शिफ्ट होती है, और वर्ल्ड वाइड भी ऐसा चलता है, जब आपकी शिफ्ट होती है तो आप देखेंगे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये एक चीज हो गया जहां तक पुलिसिंग की बात है। अब मैं अगर पैरामिलिट्री पे आ जाऊं, तो अगर आप देखेंगे रिसर्च ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर पे जो भी जवान्स होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, उनका सुसाइड रेट सबसे हाई है। हाँ, वैसे अगर आप यूएसए को देख ले, अमेरिका के अंदर भी बहुत हाई है, पर वो पहले इराक में था और आज की डेट में इट इज इन अफगानिस्तान। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर आप इनका बैकग्राउंड देखे, जो मिलिट्री है जब या पैरामिलिट्री है, व्हेन दे आर ऑन देयर ड्यूटी दे कैनॉट यूज मोबाइल फोन, बट वही ऑफिसर या वही जब जवान जब वापस अपने कैंप में जाता है, मोबाइल चेक करता है, उसको पता चलता है मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, या उसको मैसेज आता है, तो वो एक तरह से एक ट्रिगर अपने आप, वो उसके अपने आप उसके बारे में, क्योंकि उसके पास तमाम नहीं है, तो हाँ, तो उसमें लोनलीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, जहां तक जवान की बात है, तो उसमें उनको और उनके पास कोई कोपिंग का मैकेनिज्म नहीं है, बट अमेरिका ने इसके कोपिंग का मैकेनिज्म शुरू कर चुके हैं। मनोदशा को ठीक करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। एक और हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल एके चतुर्वेदी साहब लखनऊ से जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले हम वाराणसी का रुख करेंगे। कर्नल विनोद बियाला जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप
पहले की अगर बात की जाए, पहले में और आज की मौजूदा स्थिति में किस तरह का परिवर्तन देख पा रहे हैं? जो सुविधाएं हमारे जवानों को मुहैया कराई जाती हैं, आपको पहले ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं नजर आती थी या मौजूदा वक्त में? आवाज विनय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? साउंड साउंड जी, अब पहुंच रही है जी। जी सर, आप जी अब पहुंच रही है। कितना डिफरेंस देखते हैं जिस वक्त तक आप सेना में रहे, मैं उस वक्त में और मौजूदा परिस्थितियों में कितना अंतर आप पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि समस्याएं पुलिस की और सेना की अलग अलग हैं जी। मैं सेना की समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा जी। ये जो सेना की समस्याएं हैं, अगर तुलना की जाए पहले की तुलना में, अब की तुलना में जी, तो पहले से तो सेना के पास सुविधाएं काफी दी गई हैं, काफी ज्यादा जी। और सेना की समस्या दो लेवल पे है, या तो सरकार लेवल पे या स्थानीय प्रशासन लेवल पे जी। सेना, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि मैक्सिमम सुविधाएं सेना को दी जाए, ऐसा नहीं है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, लेकिन उन संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग करना, जैसे अगर राशन लिया जाए तो राशन की सप्लाई चेन बनाए रखना, अच्छा भोजन देना, ये तो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनका दायित्व है। और मेरे ख्याल से जितना मेरा अनुभव है, बड़ा लंबा अनुभव है, और हम लोग सेना में अपने जवानों के भोजन को लेकर बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, और हम स्वयं ये प्रयास करते हैं कि सैनिकों को अच्छा भोजन अच्छे समय पर मिले। लेकिन ये समस्या पैदा तब होती है जब स्थानीय स्तर पर जो लोकल लीडर्स होते हैं, जो आर्मी में कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल्स होते हैं, ये फील्ड कमांडर्स होते हैं जी। इन फील्ड कमांडर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जवान को सही समय पर भोजन मिले और सही समय पर छुट्टी मिले। लेकिन छुट्टी की समस्या तो एक विचित्र है ही, लेकिन एक अच्छा अधिकारी अपने जवानों की छुट्टी को भी ठीक से प्लान करता है। मैं स्वयं प्लान करता रहा हूं, ये सुनिश्चित करता रहा हूं कि जवान कम से कम 6 महीने में एक बार घर होके आए। कार्य का दबाव है वो बना रहेगा, हमारी नौकरी ही ऐसी है, लेकिन हम ये कहें कि उस दबाव के कारण समस्या पैदा हो तो हमें उचित नहीं लगता है। स्थानीय स्तर के लीडर्स, लोकल लीडर्स को हमारे जवानों का देना चाहिए, आप सुनिश्चित करना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, ये वाकई में हमारे देश के जवानों का जज्बा है जो हर परिस्थिति में काम करते रहना चाहते हैं। बहल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। यही कहना चाह रहा था कि जैसे कक्कड़ साहब ने कहा कि सुसाइडल केसेस क्यों हो रहे हैं जी, और परेशानी ये रहती है कि मैं खासतौर से पुलिस फोर्स में और जो PMF है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, कि उनकी कोई समय बंधित नहीं किया गया है जी। जी मैंने खुद देखा है कि मेरे नीचे भी PMF फोर्सेज रही हैं जी, कि कोई ऑफिसर जो है उनके कहीं ऑफिसर कहीं और से आए जिनका कि जवानों के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन ऑफिसर्स एंड जवान। ये परिस्थिति फौज में नहीं है जी। पुलिस में जो इन्होंने भाई सही कहा कि अगर आप घंटे की आप ड्यूटी कर देंगे तो सब कुछ काफी हद तक सही हो जाएगा। दूसरा साथ में साथ ये भी है कि आप मान लीजिए नोएडा ले लीजिएगा, अगर यहाँ पर पुलिस फोर्स के लिए खाना आप नहीं दे सकते तो आप किसी होटल के साथ में टाई अप कर दीजिए कि इस होटल से जाके आपको खाना मिलेगा। तो अगर ये सब प्रबंध किया जाए तो ये चीज अपने आप देख रहे हैं मुद्दा, हम बात कर रहे हैं देश के जवानों की, वो किन परिस्थितियों में किन हालातों में काम करते हैं और उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं क्या वो सुविधाएं समुचित हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो देश की रक्षा करते हैं उनकी हालत खस्ता है, बजट को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि जो बजट निर्धारित होना चाहिए उसमें कटौती होती जाती है, क्या आपको लगता है कि ये वो तमाम चीजें होती है जिसकी वजह से ये हाल आज है हमारे जवानों का? जी हाँ, जहां तक एक इसमें एक चीज जानने की बहुत जरूरी है जी, कि हम लोग अक्सर बजट में सुनते आए हैं कि हर फाइनेंस मिनिस्टर कहता है डिफेंस के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होगी जी, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि एक बार जब निर्णय लिया जाता है किसी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए कम से कम समय उसमें जो लगे कम से कम वो 24 महीने है जी। तो इसलिए ये ग्लिबली कहना कि अभी एकदम से खरीद लिया जाएगा ये खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जी। तो इसलिए जो एक बहुत जरूरी चीज ये है कि बजट जो हमारा इस वक्त सब पाकिस्तान, चाइना, इन सब के मुकाबले बहुत कम है, 1.58% जो कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी इंडक्शन बहुत जरूरी है कि हमारी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जाए,
क्योंकि मैन पावर कम होती जाएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज में बढ़ने की बहुत जरूरत है कि जैसे रोड्स हैं, हेलीपैड्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, रेल कनेक्टिविटी है, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इन सब के ऊपर भी एक जो बहुत जरूरी चीज है वो जॉइंटनेस की है, एमओडी में जॉइंटनेस, सर्विसेज में जॉइंटनेस, एंड जो अबव ऑल जो एनएसए लेवल पे प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनएसए, आप देखिए कि हमारे जितने एनएसए आए हैं या तो वो फॉरेन सर्विस के हैं या पुलिस के हैं या आईबी के हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में आर्म फोर्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इनका भी उसमें योगदान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इसकी सर्टेन एक्सपर्टीज चाहिए होती है। दूसरा, इक्विपमेंट खरीदने में क्या होता है, जिसको टेंडर मिल गया और जिसको नहीं मिला वो एक चिट्ठी लिख देता है, पोलिटिसाइजेशन उसका होने लगता है। तो जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में है उनको इससे इम्यून होना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए जो हमें खरीदना है। केस इन पॉइंट इज बोफोर्स, पिछले 30 साल से हमारी गन अपग्रेड नहीं हुई। केस इन पॉइंट इज राइफल, आज इन्फेंट्री के पास राइफल की कमी है। केस इन पॉइंट इज जूते आजकल नहीं मिल रहे हैं। तो जो खस्ता हाल है वो इन चीजों की वजह से ज्यादा है। फौज में जहां तक उनके काम, हम लोग तो तैयार ही हैं कि 24 घंटे के लिए हैं, हम लोग तैयार हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स, जैसे कि जनरल बहल ने बहुत अच्छी बात बोली, कम से कम सुविधाएं तो उतनी उन्हें मयस्सर होनी चाहिए जिनके वो असल हकदार भी हैं। गोविंद जी, कैसे ये बदहाली दूर होगी, ये जो तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां सामने आती हैं जिन पर चर्चाएं भी होती, बहस भी होती है, लेकिन आने वाले वक्त में फिर इसी तरह की बहस होती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। सरकार को किस दिशा में अब कदम उठाने की जरूरत है? देखिए अक्षय, जो हमारा आज का विषय है वो मूलतः तीन अलग अलग विषय एक साथ हैं। जी, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस राज्यों के अधीन होती है और राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं। जी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात करते हैं तो वो ज्यादातर होम के अंडर है और उनकी व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग, उनका तरीका बिल्कुल अलग। जी, और आर्मी की बात करते हैं तो डिफेंस के साथ उनका वो है और उनकी समस्याएं और उनका जो परेशानी है वो बिल्कुल अलग अलग। आप अगर पुलिस से हम शुरू करें, पुलिस को आप देखिए, जो बात यहाँ पर कही गई बार बार वो बात आती है, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान एक प्रयोग किया गया था, वो लखनऊ से उसकी शुरुआत हुई थी जी, कि हफ्ते में एक दिन पुलिस जो थाने में तैनात पुलिस कर्मी है उनको छुट्टी दी जाएगी, और वो एक दो महीने तक वो प्रयोग चला और जब चला तो वो उन सारे लोगों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ी, उनका अपने परिवार के साथ व्यवहार बढ़ा, परिवार के साथ जो संबंध है उनमें बहुत मधुरता आई और उनका खुद का तनाव कम हुआ। ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद ये जानकारी आई थी, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सका। लखनऊ तो मतलब राजधानी के था, दूसरे थानों में शुरू होना तो दूर, जहां वो शुरू हुआ था वहां भी खत्म हो गया। पुलिस सुधारों की बात बरसों से चलती है, लेकिन राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है, भर्तियों पर बरसों से रोक है और अब चीजें ठीक संभाले नहीं संभल रही है। बाकी बहुत सारे राज्यों में इस तरह की समस्या है। पुलिस वालों को उनसे जिम्मेदारी बहुत, अपेक्षाएं बहुत होती है, लेकिन गाड़ी के लिए जितना तेल एक थाने को मिलता है उसमें एक रात की पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, स्टेशनरी नहीं मिलती। होम की जहां तक बात है, जो होम के अंडर जो चीजें आती हैं, आप पैरामिलिट्री फोर्सेज को देखिए, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनका जो टॉप लीडरशिप है वो पुलिस से या दूसरे राज्यों से आती है, उनके अपने कैडर से कोई लीडरशिप नहीं आती और उस लीडरशिप और जो प्रॉब्लम का जो नीचे का पूरा सिस्टम है दोनों के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं होता। ज्यादातर बड़े अधिकारी वहां पर रह के अपने जो बाहर से आए हुए अधिकारी होते हैं वो एक शान की जिंदगी जीकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनका कोई जो एक तरह का गहरा रिश्ता नहीं होता है उस फोर्स। आर्मी में कम से कम ये बात है कि आर्मी में नीचे से ऊपर तक अपनी रेजिमेंट अपने उसको लेकर एक अफसर और जवान के बीच एक आत्मीय रिश्ता होता है, एक उस रेजिमेंट के नाम पर वो कुछ करने को तैयार होते हैं, लेकिन वहां भी समस्या देखिए। उत्तर प्रदेश में पहले सोल्जर बोर्ड होता था, अब सैनिक कल्याण बोर्ड है, बिल्कुल डिफंक्ट है। उस सेना सैनिक की सबसे बड़ी समस्या, आधी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनका समाधान तब हो जाए अगर जो जिलों में जो तैनात उनकी मदद के लिए जो विभाग हैं वो ठीक से काम करें। रेजिमेंट स्तर पर जो सेना खुद जो परिवार की देखभाल या उस तरह की जिम्मेदारियों की बात करती है वहां चीजें ठीक होती हैं, लेकिन सैनिक कल्याण बोर्ड जो राज्यों में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य, पंजाब या उत्तराखंड की स्थिति फर्क हो सकती है, लेकिन इन राज्यों में
वो बिल्कुल सरकारी वसूली के लिए उस तरह के विभाग रहते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ भी यही समस्या है, वो मोर्चे पर जब होता है वो देश के लिए होता है, भारत के लिए होता है, लेकिन उसके घर का क्या हाल होता है। आज ही लखनऊ का एक मामला है, अजय सिंह एक बीएसएफ का सिपाही है जिसके परिवार की जमीन छीन ली गई, घर तोड़ दिया गया, परिवार के लोगों को बंद कर दिया गया, वो जिले के स्तर पर गुहार लगा लगा के थक गया। वो तो संयोग से मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम सहारनपुर में था, वहां किसी तरह उसकी मुलाकात हुई और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको बुलाया है। तो अगर जवानों की पारिवारिक समस्याओं का कम से कम हमारा सिस्टम समाधान करने का कोई सही तरीका निकाल ले तो आधी समस्या है, मुझे लगता है जो मनोवैज्ञानिक है वो खत्म हो सके। ठीक सर, कक्कर साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए। सर देखिए कितनी आयरनी है, एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी जगह इतने चाहे पुलिसिंग के अंदर हो 1:300 प्लस की रेशियो होनी चाहिए, पर अगर आप इंडिया में देखेंगे बिहार यूपी में 1:800 की रेशियो है। तो मतलब ये तो आप लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं पर शायद आपके पास फंड नहीं है और लोगों को जॉब भी चाहिए। सर दूसरा मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट है, जो रिक्रूटमेंट में बहुत इनसेंसिटिविटी है, पुलिस को भी बड़ी क्लोजली देखा हुआ है, पैरामिलिट्री को भी देखा हुआ है, जो पुलिस कर्मी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं वो लोग डे टू डे चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, तो वहां पे उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक सर, आपको लगता है कि वेल ट्रेन्ड भी होना चाहिए और उसके बाद तमाम उनकी रिक्रूटमेंट। प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम खासतौर पर बात कर रहे हैं। अभी चर्चा के बीच में जिक्र महाराष्ट्र पुलिस का आया कि कम से कम वहां पर पुलिस के काम के घंटे निर्धारित हैं, उत्तर प्रदेश में इतने रिक्त पद पड़े रहते हैं, उन पर कभी भर्ती प्रक्रिया नहीं होती, कभी शुरुआत होती है तो कोर्ट के माध्यम से कुछ अड़ंगा हो जाता है, कभी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, सरकार इस पर कोई फोकस नहीं देती कि एक तो ऑलरेडी पहले से ही हमारे जवानों की कमी है और उस पर जो पद रिक्त पड़े हैं कम से कम उनकी भरपाई हो जाए। क्या कमी, क्या दिक्कत होती है जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफी होती या फिर नहीं हो पाती? देखिए ऐसा है कि जो ये पुलिस की भर्तियां हैं ये कई बार मैं देख रहा हूं कि सरकारों ने कोशिश की और ये भर्तियां नाकाम क्यों होती हैं, हर बार ये न्यायालय के सामने क्यों जाता है। न्यायालय को कोई ऐसा नहीं, अगर आप पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्तियां करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भर्तियां करने में आप क्षेत्र को, अपनी जाति को और अपने जिले को तरजीह देते हैं। अगर आप इसको ईमानदारी से भर्ती नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा वो लोग तो सवाल उठाएंगे इसके ऊपर और न्यायालय के समक्ष आएंगे। जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए। और ये पहली बात तो ये है कि फौज के अंदर हो, चाहे सेना के अंदर हो या पुलिस के अंदर हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, आपको भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। जहां तक यूपी पुलिस का सवाल है, यहां पर काम के घंटे की बात महाराष्ट्र पुलिस में भी की गई है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की बात है बॉम्बे पुलिस जी, जो महानगर है, जो पुलिस कमिश्नर बॉम्बे में बैठते हैं, जहां कमिश्नरी है वहां पर काम के घंटे निर्धारित हैं, लेकिन आप बाकी जिलों में जाएंगे वहां पर तय नहीं है। और जहां तक यूपी का सवाल है यहां पर तो काम के घंटे का सवाल ही नहीं है जी। और दिल्ली पुलिस से यूपी पुलिस को कंपेयर मत करिए आप, क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्या है कि यहां दिल्ली में नौकरी करने वाला जो पुलिस अधिकारी है वो अपने घर से अधिक दूरी पे है, मान लीजिए बसंत बिहार में पोस्टेड है और रहने वाला है पटपड़गंज का, या पटपड़गंज में पोस्टेड है और रहने वाला है बुराड़ी का, तो उसको आधे घंटे एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर वो पहुंच जाता है अपने घर पे अपनी ड्यूटी खत्म करके। लेकिन यूपी का आदमी 1600 किलोमीटर दूर काम करता है, कोई देवरिया का रहने वाला है और वो काम कर रहा है गाजियाबाद में, कोई गाजियाबाद का है वो काम कर रहा है बस्ती में, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते जी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो जितनी ये व्यवस्था है ये पुलिस की, इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाना चाहिए। जहां तक लाखों भर्तियां खाली हैं वो खाली इस वजह से हैं क्योंकि सरकारें ईमानदार नहीं है और उनको पारदर्शी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है। जिस किसी को भी आप देखिए, पीछे 200,000 भर्तियां की गई अखिलेश यादव के समय में, वो भी भर्तियां कोर्ट के स्क्रूटनी में आ गई, बाद में भर्तियां कर सही तरीके से साबित हो गई और बाकी जवान सर्विस में लौट चुके हैं। मायावती के टाइम में करीब 70,000 भर्तियां थी, वो भी ऐसे ही लटका रहा जी। ये जितनी भर्तियां इस तरह की हैं इनको पॉलिटिकल कारणों से न करके मेरिट पर ध्यान रखते हुए जो शरीर से भी स्वस्थ लोग हों, जिनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो और साथ साथ छुट्टी का ये कम से कम एक छुट्टी और काम के घंटे तय करना। मान लीजिए परिस्थितियां विशेष हो, आप ऐसी जगह पे गए जहां पर रायट्स हो गए तो वहां पर तो छुट्टी पुलिस वाला मांगता भी नहीं है, वहां पर तो काम करता है वो जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं आप ये ड्यूटी करके आप आए हो लेकिन थाने में भी आप तैयारी रहोगे और आप ये काम करते रहोगे, बहुत से काम है जो कि ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा उनको करने पड़ते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हर एक आप ऑफिसर्स मेस में चले जाइए,
वहां के खाने की व्यवस्था देखिए और साथ साथ जाकर के आप पुलिस लाइन में देखिए। मैं अभी पुलिस क्लब देखने गया 5-6 जिलों के उत्तर प्रदेश में, पुलिस क्लब की हालत यह है कि चारपाई तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है पुलिस क्लब के अंदर। जी जी। और आप बात कर रहे हैं कि आप पुलिस व्यवस्था की बात करेंगे और इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये सामान्य व्यवहार करें। अधिकारियों के घर के बाहर जो पिकेट लगी होती है या उनके घर के बाहर जो कई बार जो कि तंबू लगे होते हैं, 20-20 सिपाही रहते हैं, मगर जरा पूछिए कहाँ जाते हैं दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के लिए, क्या उनके पास सुविधा है, कहाँ नहाने जाते हैं, सब काम उनको खुले में करना है, टेंट में करना है। तो अगर गांव में रहते हो तो शायद इससे खराब हालत में नहीं रहते जी। इसलिए ये व्यवस्था देखने की जरूरत है कि उनको छुट्टियां आपको मिलनी चाहिए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखो सर, उनको मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवार का एहसास कराओ, ये तो होना चाहिए, ये नहीं होता है। और जब तक आप ये नहीं कराएंगे इस तरह की घटनाएं भी होंगी और जो कार्य प्रणाली है उसमें मजबूती भी नहीं आएगी। ठीक है उदय साहब जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार में बैठे लोगों को कि किस तरह से आगे कदम बढ़ने चाहिए ताकि परिस्थितियां बेहतर हों? देखिए इसमें सुझाव एक नहीं अनेक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रूल फाउंडेशन वही फॉल्टी है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि 24 आवर्स ऑन ड्यूटी ये अपने आप में एक बड़ा ड्रैकोनियन और इनह्यूमन प्रोविजन है जो एक्चुअली व्यवहार में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जी। उस पर तुरंत संशोधन की जरूरत है। रियलिस्टिक लें, 8 के जगह 10 घंटे काम लें, लेकिन 24 आवर्स ऑन ड्यूटी कह के उसे आपने एक तरह की गुलामी के जंजीरों में बांधा है जी। जो कि अमानवीय है, नंबर वन। नंबर टू, जो एचआर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जी, या जिसको हम कहते हैं कि जो पूरा का पूरा एक मानव तंत्र है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एचआर पॉलिसीज हमारे यहाँ बहुत आर्काइक हैं जी, और कहीं ना कहीं उसमें वो बड़ा पिरामिडिकल और डिक्टेटोरियल ढंग का स्ट्रक्चर जिस पर किसी ने बहुत गहरे ढंग से ध्यान नहीं दिया, और यही कारण है कि वो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो अंत में जनता पे ही जाके निकलता है। हम पुलिस के अमानवीय बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर की बात जब भी करते हैं हम भूल जाते हैं कि आपने उसको एक ऐसे ढांचे में डाला है जिसमें कभी किसी ने एक नए सिरे से सोचने की कोशिश नहीं की। ये 1857 के रिवोल्ट के बाद उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ये ढांचा तैयार किया गया था, और उस समय क्लियर कट था कि एक टॉप ब्रैकेट जो है वो गोरे ऑफिसर्स हैं और मिडिल ब्रैकेट जो है वो यहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं, और कटिंग एज तो जवान तो समाज का एक अहम हिस्सा तब भी था, आज भी है। तो ये जो थ्री टायर स्ट्रक्चर है उसमें जो एक अविश्वसनीयता है, जो डिस्ट्रस्ट है, और एक लैक ऑफ हमारे यहाँ अभी बेल्ट के नंबर से लोगों को याद किया जाता है, जबकि एक एक आदमी के पीछे एक दुनिया होती है, एक सेंसिटिविटी होती है, एक संसार होता है, समस्याएं होती हैं, डू वी नो आर मैन। और ये इसलिए कि ओरिएंटेशन में एचआर पॉलिसी हमारे यहाँ एक बहुत फॉल्टी रहा है। नंबर थ्री, जो उनका जो एक मटेरियल बेसिक जो सुविधाएं आप एक सरकारी नौकरी में देते हैं, सड़क बिजली मकान जैसी चीज, अगर वो झुग्गी में रहने को बाध्य है और उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो बिल्कुल एक वसंत विहार के निवासी के तरह बिहेव करे और उसका कंडक्ट करे, तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सपेक्टेशन है। और एक्सपीडियंसी के नाम पे उसे आप कहीं का कहीं पोस्ट कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि वहां जाएगा तो रहेगा कहाँ? वहां जाएगा तो उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? वो खुद कहाँ रहेगा? तो इन तीन शाम के खाने का क्या मेस के अलावा मेस में ही हमेशा खाएगा? बाहर खाने का इंतजाम है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये जो मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यो आप उसे लग्जरी प्रोवाइड करें, लेकिन आज के पैमाने को दिमाग में रखते हुए जो एक आम कर्मचारी सरकारी नौकरी में जो सुविधाएं पाता है वो सुविधाएं भी कम से कम मिल पाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन कर पाए। कर्नल रामदेव सिंह, ये तो पुलिस की बात हो गई। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए सर। मैं कह रहा था कि ये तीन मूलभूत चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। रूल फाउंडेशन फॉल्टी है बिल्कुल, नंबर टू एचआर पॉलिसी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और नंबर तीन इंफ्रास्ट्रक्चरल या उसका जो सर्वाइवल के लिए उस पर हमने पुलिस लाइन में हालात देखे हैं जाकर कि किन परिस्थितियों में वहां पर रहते हैं, वहां के घरों की कंडीशंस क्या है और कैसी सुविधाएं मिल पाते हैं। कर्नल रामदेव सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये तो बात पुलिस महकमे की भी हो गई, हम सेना की भी बात कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की भी तमाम बात कर रहे हैं।
मोराल उस वक्त डाउन नहीं होता हमारे जवानों का जब उन पर एफआईआर तक दर्ज कर दी जाती है? ये परिस्थिति होती है कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं कि कब कहां से गोली उनको आकर लग जाए, उन पर अपनी जान बचाने के लिए अगर उन्हें फायर करना पड़ जाता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। अक्षय जी, भारतीय सेना के लिए मैं उसको दो भागों में बांटूंगा। सबसे पहली बात यह है जो सर्विंग सोल्जर जो कि आज वर्दी में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से एलसी पर, चाइना से एलएसी पर और आईबी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम टेररिस्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं और नक्सलाइट से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसको अगर दो भागों में बांट करके हम देखें तो जो भारतीय सेना में जवान काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता किस तरह से होती है कि 70% उनको पता है कि मैंने 35 से 40 साल के बीच में घर से यहां से रिटायर होकर घर चले जाना है, और सारे के सारे लोग जो है अकेले रह रहे हैं क्योंकि पीस स्टेशन पे भारतीय सेना की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब हमारे जवान जेसीओ और अफसर 70% फील्ड स्टेशन पर हैं तो उनकी फैमिलीज पीछे हैं। जैसे कि पहले हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि जिला सैन्य कल्याण काम नहीं करते हैं, प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है, तो अब हर जवान के दिमाग में यह आता है कि किस तरह से इस सेना से निकला जाए। निकलने का तरीका कोई नहीं है, बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद 37-40 साल में हम उसको निकाल के बाहर कर देते हैं और वो आकर के एक जवान सैनिक सिविल में आ जाता है तो ना उसके पास समय घर होता है, ना पैसे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पढ़ाई के लिए मोहताज होते हैं। गांव में घर में या तो किसान बन जाता है या मजदूर बन जाता है। मैं लखनऊ का उदाहरण दूंगा कि निगम में 13,000, 15,000 और 12,000 में हमारे हजारों पूर्व सैनिक जिनकी उम्र 40 साल है, 42 साल है, काम करने के लिए मजबूर है, दिन और रात बंदूक लेकर टांग करके यहाँ निगम में, शक्ति भवन में और कृषि भवन में ड्यूटियां दे रहे हैं। ये हमारे देश के सैनिकों का रिटायर होने के बाद हाल है। दूसरा मैं बताऊंगा कि जो सैनिक नौकरी कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, हथियार नहीं है, उनके पास पहनने को वर्दी नहीं है, वर्दी का कंडीशन ठीक नहीं है, उनके पास किट नहीं है, और जो वर्दी वो पहनते हैं वो रिक्शा वाला भी पहन के घूम रहा है। इस देश के सैनिक का सम्मान करना लोगों को सीखना होगा और जो वर्दियां वो पहनते हैं उनका यूटिलाइजेशन सिविल में टोटली बंद करना होगा। तीसरी बात होती है कि 7th पे कमीशन लागू हो गया। पहली चीज तो 7th पे कमीशन के बाद भारतीय सेना को कुछ मिला ही नहीं, जो भी मिला है वो मोहताज है, उनको अभी तक उनकी सैलरी में नहीं आया। ये सारी चीजों के अलावा एक दूसरा उनका जो अंग है उसको वेटरन कहते हैं, यानी रिटायर्ड सैनिक कहते हैं। जब सैनिक रिटायर होकर के आ जाता है तो उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है। हमने कहा था कि हमारा सैनिक 37 साल, 38 साल, 40 साल में वापस आता है तो उसको पैरामिलिट्री में एडजस्ट कीजिए, आपको ट्रेंड मैन पावर मिल गया, लेकिन सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। यानी आपको लगता है कि रिटायरमेंट जो पॉलिसी है उसको फोकस में रखकर भी कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल फेगलेस है। 37 साल का लड़का, 40 साल का लड़का कहां जाए, बताए कोई जवाब दे इस देश में? ओआरओपी उन्होंने दिया कि वन रैंक वन पेंशन देंगे। पिछली सरकारों ने क्या किया उस पर कोई बात नहीं, इस सरकार ने देने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में वन रैंक फाइव पेंशन हो गई है महोदय, और 5 लोगों को पेंशन ड्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि दावे वादे खूब किए जाते हैं लेकिन जो फायदा पहुंचना चाहिए जिस नियत के साथ जो बातें कही जाती है उस नियत के साथ फायदा पहुंचे तो कंडीशन बेहतर हो। जी सर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। जिस लड़के का, जिस इलाके का लड़का, एक सेकंड में लूंगा आपका, जिस इलाके का लड़का शहीद हो जाता है नेतागिरी भयंकर होती है। लोग सलूट लेने पहुंच जाते हैं, वोट लेने पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन जब उसकी अर्थी उठ जाती है उनके बच्चों को देखने कोई नहीं जाता है। दो तीन पॉलिसी में जिक्र करूंगा यहाँ पर कि शहीदों के और विधवाओं के बच्चों को एक यहाँ पर वो मिलता था कि किसी तरह से उनको वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, उनके बच्चे आगे पढ़ेंगे, सरकारों ने वो भी बंद कर दिए। दूसरे सीएसडी के साथ साथ आपको सीएसडी फैसिलिटी मिलती थी, उनमें भी कटौतियां शुरू हो गई। ईसीएचएस, सबसे पहले इस देश के लोगों को ये सोचना होगा कि जवानों को, पूर्व सैनिकों को या सैनिकों को जो सुविधाएं मिल रही है वो भीख नहीं मांग रहे, भिखारी नहीं है। अगर उनको आप बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं तो आप उनको तनख्वाह देते हैं। हमारे देश के जवानों के प्रति आम नागरिकों का पूरा सम्मान रहता है, लेकिन सोचने की जरूरत है हमारे रहनुमाओं को, राजनीतिक रहनुमाओं को जो सरकार में बैठे हैं। ने कहा था कि जिस देश का सैनिक मांगने लग जाए उस देश को सोचना चाहिए। आज इस देश का सैनिक हर स्तर पर जनरल एके चतुर्वेदी साहब, किस तरह की पॉलिसी आपको सुझाव देना चाहें? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में मौजूद लोग इस वक्त हमारी इस बहस को देख रहे हों और कम से कम थोड़ी बहुत शर्म आया उन्हें आए और उसके बाद इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाए ताकि स्थितियां बेहतर हों। कुछ सुझाव आप देना चाहें? जी जी, मेरे तीन लेवल पर सुझाव हैं। जी, पहला सुझाव तो ये है कि जो सैनिक सर्विंग है इनकी ट्रेनिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है साजो सामान का जी, वो बहुत सोच समझ के और तेजी से होना चाहिए।
नंबर एक जी। लेकिन सर्विंग सोल्जर्स का, क्योंकि आज बहुत बड़ी फौज जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में तैनात है, तो इसमें जैसा आपने बोला कि अभी मेजर आदित्य कुमार का जैसे केस हुआ, जबकि वहाँ आसपास लगा हुआ है, फिर भी अगर किसी एक जवान के और ऑफिसर के अगेंस्ट अगर वो होती है FIR होती है, या आपने टीवी पर देखा होगा कि जवान जा रहा है उसके वहाँ लोग उसके सर पे हेलमेट पे डंडा मार रहे जी, और लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको हुक्म नहीं है, तो जब तक उसको सेल्फ स्टीम नहीं दी जाएगी ठीक सर, तब तक ये जवान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। एक तो सर्विंग का हो गया, दूसरा जो उसका पीछे घर का है हिसाब किताब जी। एक जमाना था मुझे याद है कि सेक्रेटेरिएट में जाने के लिए अगर मैं आइडेंटिटी कार्ड दिखा देता था मैं जा सकता था। आज मैं एक रिटायर्ड मेजर जनरल हूं, अगर मैं एक सेक्शन ऑफिसर से भी सेक्रेटेरिएट मिलने जाना चाहता हूं मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। पिछले 5-6 साल मुझे रिटायर हो गए, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहता था, उनसे मिल नहीं सका हूं, वो अपॉइंटमेंट नहीं दे सके मुझे। तो ये स्थिति जो है कि उसको जो जिले में जैसा कि डॉक्टर रामदेव जी ने बताया ये बहुत ही जरूरी चीज है कि पीछे मुड़के वो देखना पड़ रहा है उसको कि मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा, मेरी भाई बहन का क्या हाल होगा। जैसा कि अजय सिंह का आज के राजू जी ने बताया वो स्थिति अगर आती है तो बहुत ही शोचनीय स्थिति है। ठीक है। और तीसरा वेटरन्स, वेटरन्स का तो सच्ची बुरा हाल है। ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनके लिए कोई नहीं, 3% रिजर्वेशन है जिसमें कि विकलांग भी शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन भी शामिल हैं। अब उसको क्या आप नौकरी दोगे? 37 साल की उम्र पे वो लड़का 38 साल की उम्र पे आया है, 22 साल उसके बाकी हैं। वो ट्रेन सोल्जर है और अगर मान लीजिए उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो तो एक तलवार है, अगर तलवार को आपने तलवार की तरह यूज नहीं किया तो या तो कुंद हो जाएगी या किसी दूसरे की गर्दन काटेगी। ठीक सर, तमाम कमियों की तो हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरह की कमियां हैं और इनको किस तरह से दूर किया जाए। उम्मीद हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां ठीक हों। कर्नल विनय बियाला जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा, सैनिकों की समस्याएं दो प्रकार की, जो सर्विंग सैनिक हैं और जो रिटायर्ड सैनिक हैं। जब तक सैनिक मनोवैज्ञानिक रूप से यह फील नहीं करेगा उसका देश उसकी देखभाल कर रहा है, वो अपने को असुरक्षित महसूस करता रहेगा। सर्विंग सोल्जर जब बॉर्डर पे होता है, गांव में उसकी समस्या होती है। मैं बिहार रेजिमेंट का अफसर हूं, हमारे बिहार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। अगर हम उसकी जमीन की समस्या, उसकी गांव की समस्या को अगर हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखते हैं, उसका त्वरित उसका निराकरण करता है, तो जवान को लगता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे देख रहा है। इसी प्रकार रिटायर्ड सोल्जर्स की है। रिटायर्ड सोल्जर हिंदुस्तान में इतना दुर्भाग्य है कि अगर कोई हरी वर्दी पहन के रिटायर हुआ है तो वो सिर्फ सुरक्षा गार्ड ही बन सकता है। क्या ये वर्षों पहले चर्चा हुई थी कि लेटरल इंडक्शन की, जो सेना के लोग हैं अगर कोई सेना मेडिकल कोर का पैथोलॉजिस्ट है क्या वो गार्ड ही बनेगा? क्या वो हॉस्पिटल में नौकरी नहीं पा सकता है? इस बारे में कभी गंभीर प्रयास किए ही नहीं गए हैं। ये मान लिया गया है कि हरी वर्दी से रिटायर होने वाला आदमी डंडा लेगा, सीटी बजाएगा। जो रिड्रेसल सिस्टम है सिविल का, वो रिड्रेसल सिस्टम सैनिक को सम्मान नहीं देता है, उससे सैनिक असुरक्षित महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी में यदि असुरक्षित महसूस करेगा तो अपना 100% वो नहीं दे सकता है। सरकारों को राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो गया है। एक फाइनल एक्शन प्रदीप जी, मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से कदम उठाने चाहिए सरकार को ताकि स्थितियां पहले से बेहतर हों, और जो कमियां हैं क्या आपको लगता है कि इन कमियों से हमारी सरकारें अनजान होती हैं, उन्हें नहीं पता किस तरह की दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, या जानबूझकर इग्नोर करते हैं? नहीं नहीं, देखिए, सरकारों को अच्छी तरह से मालूम होता है, जितने भी कानून के निर्माता हैं हमारे लगभग सभी कभी ना कभी तो जेल में रही चुके हैं, ज्यादातर 2/3 और थानों से पाला पड़ चुका है उनका जी। और कई बार वो दौरा करने के लिए बॉर्डर पे भी जा चुके हैं, तो सेना की स्थिति को भी जानते हैं। और हर एक परिवार में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से कोई सैनिक नहीं हो, जहां से कोई पुलिस वाला नहीं हो, इन्हीं के हमारे बीच से ही वो लोग निकल करके आते हैं और वो लोग समाज में बाद में पुलिस अधिकारी बनते हैं या कर्मचारी बनते हैं। लेकिन ये जरूर ये देखने की बात है कि जितने भी हमारे जो राजनीतिक स्तर पे जो बड़े पद पे लोग पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले आप ये चाहते हो ठीक करना कि आप ऊपर से व्यवस्था को ठीक करना चाहते हो कि DG बना दिया, ये बना दिया, लेकिन जरूरी ये है कि पहले बेसिक्स ठीक करने चाहिए। जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज मजबूत करते हैं, तो नींव मजबूत होनी चाहिए। जब तक आपका सिपाही, जब तक आपका जवान खुश नहीं रहेगा, आपका जनरल भी खुश नहीं रहेगा।
और जब एक एक करके नीचे से आप खुशी को बांटते जाएंगे, व्यवस्था को ठीक करते जाएंगे, योग्यता को बढ़ाते जाएंगे, और उन सैनिकों के पास जैसे कि अभी हाल में तक में आपके पास हथियार नहीं थे पूरे, उनके पास कपड़े नहीं थे जाड़ों में रहने के लिए, और बाकी रहने की सुविधाएं नहीं है, परिवार के लिए सुविधाएं नहीं है, एडमिशन की दिक्कत है, तो जब तक वो बिल्कुल फ्री नहीं होगा और आप जब तक वो बिल्कुल सक्षम नहीं होगा डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंटली और शांत मन से, तब तक आप देखिए चर्चा का विषय क्या रहा, चर्चा आप लोगों ने जो किया कि सैनिक क्यों अधिकारियों पे गोली चला देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई? बात ये नहीं है उनको बाद में क्या मिलता, रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, आप नौकरी में रहते हुए जब आपके पास नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, उस समय आप छुट्टी के लिए किसी बात पे गोली चला देते अधिकारी के ऊपर, तो आप गोली क्यों चलाते हो? इसलिए चलाते हो या उनको ये जो काम के घंटे के अलावा एक बात होती है, व्यवहार की कमी होती है, कई बार मैंने देखा है कि आप बात इनह्यूमन टॉक्स करते हैं, कई बार उनको आप एक तरह से बदतमीजी के स्तर पर बात करते हैं, अगर वैसी बातचीत करते हुए वो चीजें बाहर आए, अभी हाल में एक जवान ने कहा कि खाने की क्वालिटी खराब थी, आपने उसको बर्खास्त कर दिया, अगर वो अनुशासनहीनता के दायरे में तो आप बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन कम से कम खाने का व्यवस्था तो ठीक कर लीजिए, क्या बुराई है इसमें, और अगर कोई आदमी सुझाव सही दे तो उसको सुझाव को स्वीकार करना चाहिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम ये नहीं करें कि इनडिसिप्लिन करो, आप मिसबिहेव करो, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए सरकारों को कि जहां व्यवस्था को दुरुस्त करनी है उस पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अब समय का अभाव है, कार्यक्रम का यहीं पर समापन करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी सरकारें इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगी, न सिर्फ कदम उठाएंगी बल्कि तस्वीर को बदलने में कामयाब भी होंगी। मुद्दा में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।